लालपुर के घने जंगल में एक पढ़ाकू टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। टुनटुनी, यदि तुम ऐसे ही दिन भर पढ़ाई करोगी तो एक दिन तुमको मोटा सा चश्मा लग जाएगा, यू नो। अरे भैया, चलो बाहर चलते हैं और पेड़ों पर फल तोड़कर खाते हैं, इतना अच्छा मौसम है। चलो चलते हैं, वैसे भी मैं तो पढ़ाई केवल खाली समय में करती हूँ, मुझे जंगल के बारे में नई नई बातें जानने का बहुत शौक है। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा पेड़ है जिस पर फल तोड़कर खाना मना है, चले जाओ यहाँ से, और भी तो पेड़ है ना। अरे ओ कौवे, तू हमें धमकी मत दे वरना यहीं तुमको बता देंगे कि कौन यहाँ का दादा है। वैसे यह लोग सच कह रहे हैं, मैं अकेला पक्षी हूँ और यह तीन पक्षी हैं, यह तो मुझे आसानी से हरा देंगे। तोता राम, हमें कालू से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हम उसे समझा भी तो सकते थे ना, पता नहीं वह किस दिन हमारे काम आ जाए। इन पक्षियों के कारण मुझे पेट भर फल खाने को नहीं मिलते हैं और यहाँ मुझे पसंद भी नहीं करते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जंगल में भारी बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में जंगल के पक्षियों के घोंसले पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं। इस भारी बारिश में हम बिना घोंसले के क्या करेंगे? अरे भैया, बारिश थमने का इंतजार करेंगे और क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली है, पिछले साल तो बारिश 20 दिनों तक लगातार हुई थी। यह सब तुम्हारे पापों का फल है, तुमने मुझे पेड़ से फल खाने नहीं दिए थे ना, इसीलिए तुम्हारा घोंसला हवा में उड़ गया है। Well, रहने दो खालू, तुम्हारा घोंसला भी तो हवा में उड़ गया है ना, तो तुम भी पापी हुए। ओफो, ये बहस करने का समय नहीं है, चलो इसके पहले देर हो जाए हमें जंगल के पेड़ के पास जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। सारे पक्षी जंगल के पेड़ के पास जाते हैं। यदि तुम मेरे ऊपर घोंसला बनाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, मेरे ऊपर पहले से ही दो पक्षी बिना किराया दिए महीनों से घोंसला बनाकर रह रहे हैं। हम किराया देने को तैयार हैं, लेकिन तुम कैश पेमेंट नहीं लेते हो तो हम क्या करें? नोट कागज से बनते हैं और कागज पेड़ काटने से बनते हैं। यदि मैं तुम लोगों से कैश लेना शुरू कर दूं, तो मेरे सारे रिश्तेदारों को काटकर उसका नोट बना दिया जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। खैर, मकान मालिक और किरायेदारों में तो बहस चलती रहती है। पक्षियों, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए? हमारे घोंसले बारिश और आंधी में उड़ गए हैं, क्या आप हमें इसका कोई इलाज बता सकते हैं? मैंने सुना है कि जंगल के अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ा टमाटर का घर है जिस पर आज तक कोई नहीं रह पाया। उसमें आज तक कोई क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि वह तीन पहेलियां पूछता है और वह पहेलियां बहुत कठिन होती हैं। उसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया और जब उसे उसका उत्तर नहीं मिलता तो वह पहेली का जवाब नहीं देने वाले पक्षियों को खा जाता है। लगता है हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वहां जाना ही होगा। सारे पक्षी घमंडी टमाटर के घर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत मशक्कत के बाद टमाटर का घमंडी घर उन्हें मिल ही जाता है। सीधे सीधे मेरी तीन पहेलियों का उत्तर दो, और उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पढ़ाकू चुनचुनी सारी पहेलियों का उत्तर आराम से दे देगी। अरे भैया, फिर हम इस टमाटर के घर में रहेंगे और इसमें ढेर सारे टमाटर भी खाएंगे। पहली पहेली है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? हाँ, इसका उत्तर है कुल मिलाकर तीन तीतर। शाबाश चिड़िया, लेकिन मेरी अगली दो पहेलियाँ बहुत ही जानलेवा है। यह रही मेरी दूसरी पहेली, मुझे खदान से निकाल कर लकड़ी के बक्से में डाल दिया जहाँ से मैं कभी नहीं निकल सकता और मेरा हर इंसान उपयोग करता है, बताओ मैं कौन हूँ? टुनटुनी इसका जवाब नहीं दे पाती,
मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। कालू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। इसका जवाब है पेंसिल। आश्चर्य आश्चर्य, लेकिन यह तीसरी पहेली तुम्हारी जान लेकर ही रहेगी, और वह है, ऐसी कौन सी चीज है जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है? आप तो पैसा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन इसे कमाया नहीं जा सकता। वह सीमित रूप से ही रोज आपको मिलती है। वह चीज क्या है? ओहो, मुझे तो इसका भी उत्तर नहीं पता। शायद कालू ही हमारी मदद फिर से कर सकता है। इसका उत्तर बहुत आसान है। इसका उत्तर है समय। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम पैसे से ज्यादा महत्व देते हैं, और वह सीमित समय के लिए हमें मिलती है। ओह, मैंने तुम जैसे समझदार पक्षी आज तक नहीं देखे। बधाई हो, बधाई हो। अब तुम मेरे बड़े से टमाटर के घर में रह सकते हो। जाओ, रहो। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना, हमें कालू कौवे के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक दिन वह हमारे काम आएगा, और देखो आज कालू कौवे की मदद से ही हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए। अंत में तोता और मोर कालू कौवे से माफी मांगते हैं, और सारे पक्षी उस बड़े से टमाटर के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। जल्दी जल्दी खा, नहीं तो जादूगर आ जाएगा। मेरा छोटा पेट है, मैं जल्दी जल्दी नहीं खा सकता। अब तुम दोनों को मेरा खाना चुराने की जरूरत नहीं है। जाओ दूसरों के खेत से ढेर सारी सब्जियां तोड़कर खाओ। एक बार की बात है, टमाटरपुर के इस घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब किसान थे और खेती करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन जब टुनटुनी अपनी फसल की देखभाल कर रही थी, तभी बंटी कबूतर और लखाची खेत में पहुंचते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये एक गरीब किसान का खेत है जिस पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। मेरा नाम है लक्का, और काम है पक्का, खेत में करेंगे कब्जा, देकर इन दोनों को धक्का। बोल बिड़ू, क्या बोलता है, कौन जीतेगा? ये पति पत्नी या वो चील कबूतर? पति पत्नी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कबूतर और चील की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाते। बहुत मशक्कत के बाद कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया हार कर अपने घोंसले चले जाते हैं। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कालू जी, हिम्मत रखिए, इस समस्या का कोई न कोई समाधान हमें जरूर मिलेगा। मैंने जंगल में कुछ पक्षियों को जादुई टमाटर के खेत के बारे में बात करते सुना है। यदि हमें वे जादुई टमाटर मिल जाएं, तो हम उन टमाटरों की मदद से कुछ न कुछ जरूर कर ही लेंगे। मैं बहुत घायल हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया अकेले ही उन जादुओं के टमाटरों को ढूंढने निकल पड़ती है। बोल, क्या बोलता है, इस चिड़िया को टमाटर मिलेंगे? अरे जा, इस चिड़िया को टमाटर नहीं मिलेंगे। टमाटर की खोज में टुनटुनी चिड़िया का सामना एक तांत्रिक मोड़ से होता है, जिसकी जादू की छड़ी नदी में गिर जाती है। टुनटुनी चिड़िया जादू की छड़ी को उठाकर मोर को वापस करती है। वेल, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो चिड़िया? मोर जी, मैं जादुई टमाटर के खेत की तलाश में घूम रही हूँ, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? हा, जादुई टमाटर, तुमने इसके बारे में कहाँ सुना है? मैंने व्हाट्सएप में उसके बारे में पढ़ा था। दिस इज सो फनी। अजीब बात तो यह है कि तुमने इस पर विश्वास कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो चिड़िया, ऐसा कोई भी खेत नहीं होता जिसमें टमाटर जादुई हो। नहीं, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो मोर जी, अब तो मैं और मेरे पति बर्बाद हो जाएंगे। वेल, ऐसा क्यों? टुनटुनी चिड़िया तांत्रिक मोर को सारी बात बताती है। तो यह बात है, यह लो जादुई टमाटर की चटनी, इसे कबूतर और चील पर छिड़क देना, फिर देखना कमाल। अगले दिन टुनटुनी और कालू कौवा जादुई टमाटर की चटनी के साथ खेत में लौटते हैं। आज बता कौन जीतेगा।
पति पत्नी नहीं, चील और कबूतर। टुनटुनी चिड़िया उस टमाटर की चटनी को कबूतर और चील की ओर छिड़क देती है। चटनी के शरीर पर गिरते ही कबूतर और लक्का चील पति देव जी, आपका जवाब नहीं, आप तो इन दो कीड़ों से डर कर ही बीमार पड़ गए थे। ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं आज इन दोनों को बहुत बड़ी पटकनी देने वाला था और अपने खेत से भगाने वाला था। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने खेत को उन दो भयानक कीड़ों से बचा लेती है। बनारस के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी, इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है, हमारे पास साल भर खाने के लिए अनाज भी नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमें धैर्य रखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, हम अगली बार खूब मेहनत करेंगे। आप कालू सेठ के पास जाकर कुछ अनाज उधार मांग कर ले आइए। बंटी कबूतर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू सेठ जी, इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, क्या आप हमें कुछ अनाज उधार दे सकते हैं? मैं जल्द ही ब्याज सहित आपका अनाज लौटा दूंगा। अरे ओ बंटी किसान, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है, सारा अनाज मैं अपने परिवार के खाने के लिए रख लिया हूँ। मेरे पास कुछ गन्ने रखे हैं, वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक एक गन्ना 100-100 रुपए का होगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। बंटी कबूतर के पास कोई चारा नहीं बचता, वह गन्ने लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत में उन गन्नों को लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की मेहर रंग लाती है और गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होता देख कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारी मेहनत ने रंग लाया है, लेकिन तुमने मुझसे गन्ने उधार लिए थे तो इन गन्नों पर मेरा हक है, यह सारे गन्ने मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन इन गन्नों के पैसे तो हमने आपको चुका दिए थे ना, आप यह गन्ने कैसे लेके जा सकते हैं? मैंने यह गन्ने 100-100 रुपए में दिए थे और इस पर ब्याज भी डबल लगाया था, तो मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दो और यह गन्ने ले जाओ। कालू जी, हमने तो गन्ने की फसल तैयार करने में सारे पैसे लगा दिए हैं, अब तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। अभी आपको देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है, आप कुछ दिन रुक जाइए, गन्ने की फसल जब बिक जाएगी तब आपको पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे। लेकिन कालू कौवा तुरंत अपने साथियों को बुलाकर सारे गन्ने कटवा कर वहाँ से ले जाता है। यह देखकर बंटी कबूतर को सदमा लगता है और वह बीमार पड़ जाता है। बंटी जी, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया गन्ने के उजड़े हुए खेत में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। हमने इतनी मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार की थी, लेकिन वह अत्याचारी कौवा हमारी मेहनत की फसल को काट कर ले गया। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के खेत में एक गन्ने का पेड़ बचा रहता है। प्यारी चिड़िया, आप चिंता मत करो, आपकी मेहनत से मेरे अंदर जादुई शक्ति आ गई है, आप लोगों की तपस्या ने मेरे अंदर जादुई शक्ति डाल दी है, यह लीजिए एक जादुई गन्ने का घर मैंने आपके लिए बनाया है, इस घर में आप अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहिए और इस जादुई गन्ने के घर के अंदर आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया जादुई गन्ने के घर में अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहने लगती है। अगले दिन कालू कौवा वहाँ फिर आ जाता है। तुम लोगों ने मेरी उधारी अभी तक नहीं चुकाई है, यह गन्ने का घर भी मेरा है, निकल जाओ मेरे घर से। अचानक गन्ने के घर को गुस्सा आ जाता है और वह एक झटके में कालू को आसमान में पहुंचा देता है।
इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।